रिटायर्ड आईएएस आईपीएस के सहारे चुनाव में उतरेगी बीजेपी। 2024 चुनाव से पहले पार्टी में अधिकारियों की एंट्री से छिड़ी जंग। आईएएस बनाएंगे प्लान, आईपीएस करेंगे रैली। गहलोत को हराने के लिए बीजेपी बना रही डबल पायलट प्रोजेक्ट, क्या मिलेगी जीत। वसुंधरा की आस और पूनिया का प्लान हुआ पुराना, अब गहलोत के सामने बड़े बड़े जादूगर खड़ी करने की तैयारी। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक लेख में लिखा, 2024 का चुनाव बीजेपी सिर्फ मोदी के सहारे नहीं जीत सकती, उसे अपनी रणनीति बदलनी होगी। और इसके ठीक एक हफ्ते बाद जब हमने इसे गहनता से समझने की कोशिश की तो पता चला कि बीजेपी पहले से ही इसे लेकर काम शुरू कर चुकी है, जिसमें रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस की भूमिका अहम होने वाली है। पर किसी भी नई रणनीति को किसी राज्य स्तर पर परखना जरूरी होता है, इसीलिए शायद बीजेपी ने राजस्थान को इसके लिए चुना है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गहलोत सरकार के मंत्रियों के इलाके में अपनी अलग पकड़ है। उन्हें हराने के लिए रिटायर्ड आईएएस आईपीएस को मैदान में उतारने की रणनीति है, इसका फायदा मिल सकता है। 80 सीट बीजेपी लगातार 3 बार से हार रही है। यहां से आईएएस चंद्रकांत मीणा पार्टी में शामिल हुए। जयपुर की जमावरगढ़ सीट 3 में से 2 बार हारी, यहां रिटायर्ड आईपीएस गोपाल मीणा को टिकट मिल सकता है। करौली की सपोटरा सीट पर भी पार्टी कमजोर है, यहां रिटायर्ड आईएएस पीआर मीणा को उतारने की रणनीति बना सकते हैं। सीकर की खंडेला सीट से रिटायर्ड आईपीएस रामदेव सिंह खैरवा को उतारा जा सकता है और फायदा मिल सकता है। इसके अलावा कई ब्यूरोक्रेट को मनाने की कवायद भी चल रही है, तो सवाल ये है कि बीजेपी को ब्यूरोक्रेट में ऐसा क्या दिख रहा है जो आम नेताओं में नहीं दिख रहा है। अगर आईएएस आईपीएस का पार्टी में आना ही जीत की गारंटी है तो फिर कोई भी पार्टी ऐसा करके चुनाव जीत सकती है। तो इसका जवाब समझने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी के काम करने के तरीके और मोदी सरकार की ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिक्स को समझना होगा। राजस्थान में गहलोत के जादू के सामने वसुंधरा और पुनिया को अपना गुट भूल कर काम करना होगा, पर उससे भी ज्यादा जरूरी गहलोत जैसे जादूगर के सामने बड़े बड़े जादूगर खड़े करने की होगी, क्योंकि गहलोत ऐसे मंझे हुए नेता हैं जिनसे पार पाना आसान नहीं लगता। शायद इसीलिए ब्यूरोक्रेसी वाली चर्चा ने राजस्थान में जोर पकड़ लिया है। पीएम मोदी तेज तरार ब्यूरोक्रेट्स पर भरोसा करते हैं। एस जयशंकर से लेकर अश्विनी वैष्णव तक टॉप अधिकारी रहे हैं। अधिकारियों को जितनी किताबी समझ होती है उतनी ही वो जनता की दिक्कतों को भी समझते हैं, नब्ज पकड़ लेते हैं। चुनाव में नेताओं का काम जनता की दिक्कत पता करना है, सही पॉलिसी बनाना, उसके बाद जीत हासिल करना होता है। ब्यूरोक्रेट्स अपनी नौकरी में यही काम करते हैं, इसीलिए नेताओं से बेहतर ऑप्शन होते हैं, पर इसमें कई पेच भी होते हैं। अगर अधिकारी केजरीवाल की तरह हो तो फ्री फ्री का चस्का जनता को लगा दी तो फिर देश के खजाने पर बोझ पड़ता है, और इन्हीं बातों को मोदी शाह की जोड़ी अपने हिसाब से हैंडल करती है। आरएसएस के कुछ लोग भले ही ये कहें कि सिर्फ मोदी के भरोसे 2024 का चुनाव नहीं जीता जा सकता, पर पार्टी में ये भी चर्चा है कि लोग भी जानते हैं कि मोदी के बिना भी चुनाव नहीं जीता जा सकता है, इसीलिए इस चुनाव में जिम्मेदारी लगभग बंट सी गई है। यूपी में योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो वहीं अलग अलग प्रदेशों के बड़े नेताओं को इस बार प्रचार के अलावा नीतियां बनाने का जिम्मा मिल सकता है, ताकि विपक्ष अगर एकजुट भी हुआ तो इसका जवाब दिया जा सके। विपक्ष के पास नेताओं की कमी साफ दिखती है। नेता कम होने का मतलब प्लानिंग कमजोर होना, और ब्यूरोक्रेट्स को पार्टी में लाकर बीजेपी इसी बात का फायदा उठा सकती है, क्योंकि युद्ध अक्सर धन बल से नहीं रणनीति से जीता जाता है। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठ रहा था कि इस देश में आईएएस आईपीएस की एक पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अलग अलग पार्टियों में अधिकारी जाते हैं उससे यही लगता है कि देश बदलने की शपथ लेने वाले कुछ अधिकारी भी सियासत का स्वाद चखना चाहते हैं, पर उससे देश का क्या फायदा होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या भी इस बात से सहमत हैं कि 2024 चुनाव अकेले मोदी के चेहरे पर नहीं लड़ा जा सकता, या आपको लगता है मोदी योगी की जोड़ी कुछ भी कर सकती है? कमेंट में बताएं।